हेलो एवरीवन, बेटा टुडे वी विल डिस्कस आ चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर ऑक्सफोर्ड एडवांटेज बुक। जो आपकी ऑक्सफोर्ड एडवांटेज बुक है, आज हम उसके चैप्टर नंबर 3 करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग, क्लियर। अब बेटा इस चैप्टर में हम रीडिंग के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो जो आपके इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके मीनिंग क्लियर करवाऊंगी मैं आपको, प्लस आपको क्वेश्चन आंसर्स इसमें समझाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो द फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ पेंटिंग। क्या है आपका फर्स्ट न्यू वर्ड? पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप इसको हिंदी में समझें तो देखो, जब आप भाग के आते हैं, रेस करके आते हैं आप, एंड आफ्टर रेसिंग आपको बहुत ज़ोर से सांस चढ़ जाते हैं, एंड जिसमें आप बहुत तेज़ सांस लेने लग जाते हैं, तो आपकी जब सांस की आवाज़ हमें सुनाई देने लग जाती है, बहुत तेज़ सांस ले रहे हो और वो सांस की आवाज़ हमें सुनाई दे रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेंटिंग, यानी हाँफना। जब भाग के आप आते हो, रुकते हैं, तब आप उस टाइम में हाँफते हैं, बहुत तेज़ सांस लेते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पेंटिंग। तो आप इसका मीनिंग कैसे लिखेंगे? ब्रीदिंग इन एंड आउट मेकिंग अ साउंड, कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, आवाज़ निकालते हुए सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है आपका? पेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेरर स्ट्राइकन। टेरर स्ट्राइकन का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? टेरर स्ट्राइकन। जैसे वेरी स्केयर्ड, अब इसको इंग्लिश में आप मीनिंग क्या लिखेंगे? वेरी स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ड्रैग्ड। ड्रैग्ड का मतलब क्या होता है? खींच के ले जाना, जोर लगा के जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रैग्ड। क्या कहेंगे? ड्रैग्ड। तो आपको इस इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पुल्ड समथिंग विद फोर्स, कि जोर लगा के किसी चीज़ को खींचना क्या कहलाएगा? ड्रैग्ड। नेक्स्ट वन इज़ ब्रूज्ड। ब्रूज का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, जब आप कभी गेम खेलते हैं, खेलते खेलते आप गिर जाते हैं, आपके पैर पे, हाथ पे, कहीं पे हल्की फुल्की खरोच आ जाती है, तो उस खरोच को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रूज्ड। क्या कहेंगे? ब्रूज्ड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? हर्ट, यानी चोट लगना। हर्ट यानी चोट लगना। नेक्स्ट वर्ड इज़ चीयरफुली। चीयरफुली का मतलब होता है बहुत खुशी से। चीयरफुली मीन्स बहुत खुशी से, यानी हैप्पीली। हैप्पीली, खुशी से। क्लियर। तो बेटा ये आपके हुए न्यू वर्ड्स। नाउ लेट्स डू आर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। अब बेटा देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछता है? व्हाई डिड जो, एमी एंड लॉरी गो टू द रिवर, कि जो, एमी और लॉरी हैं वो नदी पे क्यों गए थे? अब बेटा देखो, इसके चैप्टर में जब स्टोरी हमने रीड की थी, तो स्टोरी में क्या होता है कि जो, एमी और लॉरी, ये तीनों फ्रेंड्स होते हैं। जो और एमी तो सिस्टर्स होती हैं और लॉरी उनके पड़ोस में रहते हैं। ये तीनों बच्चे हमेशा एक साथ खेलते हैं। अब एक सर्दियों का दिन था, इन्होंने डिसाइड किया कि वो रिवर पे जाएंगे आइस स्केटिंग करने। रिवर पे बर्फ़ जम गई होगी, अगर रिवर फ्रोजन होगी तो वो वहाँ पे क्या करेंगे? आइस स्केटिंग करेंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड जो, एमी एंड लॉरी गो टू द रिवर। जो, एमी एंड लॉरी रिवर पे क्यों गए थे? तो आपको पता है क्यों गए थे? फॉर आइस स्केटिंग। क्या करने गए थे? आइस स्केटिंग करने गए थे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में से ही लेंगे, जो एमी एंड लॉरी, फिर जो हमारी वर्ब है गो, क्योंकि पास्ट में पूछा गया डिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेंट। जो, एमी एंड लॉरी वेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में से गो टू द रिवर। जो, एमी एंड लॉरी वेंट टू द रिवर, अब किस लिए गए थे? फॉर आइस स्केटिंग। किस लिए गए थे? फॉर आइस स्केटिंग, कि जो, एमी और लॉरी रिवर पे आइस स्केटिंग करने गए थे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई वॉज लॉरी स्केटिंग अलोंग द शोर। अब जो लॉरी था वो नदी के किनारे किनारे, शोर का मतलब किनारा, क्या होता है शोर का मतलब? किनारा। तो वो नदी के किनारे पे स्केट क्यों कर रहा था? ठीक है, अब देखो बेटा, जब हमने स्टोरी की, हमने इतना जाना कि वो नदी के ऊपर वो स्केटिंग करने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि क्योंकि लॉरी और जो पहले पहुंच जाते हैं और ये दोनों बड़े होते हैं, एमी पीछे रह जाती है,
तो लॉरी क्या करता है कि वो नदी के पास वो उस किनारे पे स्केटिंग करने लग जाता है ये देखने के लिए कि जो बर्फ़ है वो इतनी थिक है या नहीं कि वो उस पे स्केटिंग कर सकते हैं या नहीं। तो यही आपका आंसर है कि लॉरी ने नदी की बर्फ़ को चेक करने के लिए स्केटिंग की कि वो इतनी मोटी है या नहीं है कि उस पे सेफली स्केट किया जा सके। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, लॉरी वो स्केटिंग टू चेक, लॉरी स्केट कर रहा था यह देखने के लिए इफ़ द आइस वॉज थिक इनफ टू स्केट ऑन और नॉट, कि जो बर्फ़ है वो इतनी मोटी है कि उसके ऊपर स्केट किया जा सकता है या नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट हैपन्ड एज एमी स्केट टुवर्ड्स द सेंटर। अब पूछें कि क्या हुआ जब एमी सेंटर की तरफ, नदी के सेंटर की तरफ स्केट करने जाती है। अब बेटा देखो, हमने देख बताया कि जो लॉरी क्या करता है, किनारे किनारे चेक करता है, फिर लॉरी जो को बोलता है कि मैं नदी के एंड पे जाके चेक करता हूँ कि वहाँ पे सेंटर में जो उस बर्फ़ है वो थिक है या नहीं है। अब लॉरी जब ये चेक करने जाता है तो वो जब पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि जो बर्फ़ है वो इतनी थिक नहीं है कि उस पर सेफली स्केट किया जा सके। तो वो चीख के लॉरी इसको जो को इन्फो करता है कि जो यहाँ पे आप किनारे पे ही रहें, यहाँ पे बर्फ़ पतली है। तो जो को तो सुनाई दे देता है, लेकिन लॉरी जो एमी होती है वो लॉरी से बहुत ज़्यादा दूर होती है तो एमी को सुनाई नहीं देता, और एमी क्या करती है सेंटर में स्केट करती हुई आ जाती है। अब जैसे ही वो सेंटर में आती है तो क्या होता है, बर्फ़ टूट जाती है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। तो यही आपको लिखना है कि जब वो सेंटर के ऊपर स्केट करने पहुंचती है तो क्या होता है, तो क्या हुआ कि जैसे ही वो सेंटर में पहुंची बर्फ़ टूट गई और वो पानी में गिर गई। तो आप क्या लिखोगे, एज एमी स्केटेड टूवर्ड्स द सेंटर, जैसे ही एमी सेंटर की तरफ स्केट करने लगी, द थिन आइस ब्रोक, जो पतली बर्फ़ की परत थी वो टूट गई, एंड शी फेल डाउन इन वाटर, और वो पानी में गिर गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लॉरी एंड जो पुल एमी आउट। अब जब वो पानी में गिर गई थी तो लॉरी और जो ने उसको बाहर कैसे निकाला। तो जब वो पानी में गिरती है तो लॉरी क्या करता है, एमी को उसके हाथ से पकड़ लेता है और क्या कहता है जो को कि जो नदी के साइड में जो फेंस लगी हुई है, फेंस जो बाड़ लगी हुई है, आपने देखा होगा ऐसे जो लाइनिंग से हम लगा देते हैं, जो पिलर्स से लग जाते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं वायर लपेट देते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं फेंस कहते हैं, बाड़। तो कहते हैं कि जो फेंस लगी हुई उसमें से आप एक रेलिंग निकाल लो, एक ही वायर निकाल लो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो अब देखो क्या होता है, लॉरी होल्ड एमी विद हिज हार्म, लॉरी ने अपने हाथ से एमी को पकड़ लिया, एंड जो ड्रैग द रेल फ्रॉम द फेंस, और जो ने क्या किया फेंस से एक रेल खींच लाई। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डिड दे कीप एमी वॉर्म बिफोर टेकिंग हर बैक होम। अब एमी जब पानी से बाहर निकल जाती है तो उसको घर ले जाने से पहले उसको गर्म कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं जो और लॉरी अपने जो गर्म कपड़े होते हैं वो उसको फटाफट ऐसे पहना देते हैं, उसको ढक देते हैं। तो आप क्या बोलोगे, लॉरी एंड जो रैप्ड, रैप्ड का मतलब ढक देना, लॉरी एंड जो रैप्ड एमी अप, लॉरी और जो ने एमी को ढक दिया, रैप्ड मतलब कवर करना, जैसे किसी चीज़ के चारों तरफ लपेट देना, तो उन्होंने लपेट दिया विद देयर वार्म क्लोथ, अपने गर्म कपड़ों से, यानी जो लॉरी और जो के गर्म कपड़े थे उससे उन्होंने क्या किया एमी को रैप कर दिया, लपेट दिया। नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन, अब देखो एमी को उन्होंने बाहर निकाल लिया, अब उसके बाद क्या होता है, हाउ वॉज जो अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट। अब जब एमी बर्फ़ में गिर जाती है और उसको बाहर निकालते हैं तो ये जितनी भी घटना होती है, जो इंसिडेंट होता है, इससे जो के ऊपर क्या असर पड़ता है आपसे ये पूछा गया। तो बेटा जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो क्या डिसाइड करती है, वो कभी भी आइस स्केटिंग करेगी ही नहीं। तो आंसर क्या देंगे आप, जो वो शॉक्ड एंड शी डिसाइडेड टू नेवर गो आइस स्केटिंग अगेन, कि जो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, शॉक्ड रह गई थी और उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी आइस स्केटिंग करने नहीं जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसके साथ आपका जो चैप्टर 3 है उसके कीवर्ड्स और आप उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डन होते हैं। अब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।